नामांकन आज कर दिए, उसके अंतिम दिन भी थे। आश्वस्त जनता करती है, जनता करते रही है। निश्चित रूप से कांके के जनता के ने मुझे स्नेह और प्यार दिया है और इस बार पार्टी ने मुझे पुनः चौथी बार टिकट दिया है, तो जीत में तब्दील होगी। कांके की जनता जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो पेंशनधारी विधायक जो रहे हैं उसको हटाने का काम करेगी। कमलेश राम भी हमसे चुनाव लड़ा है, उनको भी मैंने देखा है और भी को भी देखा है, इसलिए युद्ध के मैदान में बहादुर जो योद्धा होता है वो डरता नहीं है, वो लड़ता है। और पार्टी ने मुझे वो बहादुर योद्धा के रूप में देखा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस बार कांके की जनता उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा 35 सालों तक उसको समाप्त करेगी। इस सब मामला को हमारे हाईकमान देख रहे हैं, हाईकमान का काम है, जो आदेश हम लोग को मिलता है हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते करते हैं। और जितना भी विवाद है सबका निपटारा आपसी समन्वय बनाकर किया जा रहा है। निश्चित रूप से कांके की जनता जीतेगी। आपको पता है कि मेरी माँ आज नहीं है, इस परिस्थिति में भी हम लोगों ने लोकतंत्र है इसका फर्ज निभाने के लिए आए जनता, आज फर्ज को निभा कर अभी हम कर्ज निभाने के लिए हम घर जा रहे हैं। वहाँ हम 4 बजे समय रखे हैं, माँ का अंत्येष्टि होगी और उसके बाद हम लोग उसका जो भी कर्म होगा ख़त्म करके फिर मैदान में हम लोग उतरेंगे।